गुड मॉर्निंग एवरीबडी। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। लोग हम लोग एमसीक्यू के बारे में हमें सॉल्व करना था, और सबसे पहले मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ। टोटल 63 क्वेश्चंस हैं। कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन हम आज कंक्लूड कर लें जितने हो सके उतने। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 10 तक की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 10 तक में किसी डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। डाउट्स लेने से पहले एक कॉमन डाउट्स आप लोगों का हो सकता है अकाउंट सेल का। सर, अकाउंट सेल में क्या क्या आता है चीज के बारे में बताओ। ये एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है। अकाउंट सेल कौन बनाएगा, कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनी। कौन भेजेगा, कंसाइनर या कंसाइनी? किसको भेजा जाएगा? कंसाइनर को। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अकाउंट सेल में आता क्या है। बेटा, सेल अकाउंट अलग होता है, अकाउंट सेल एक अलग होता है। सेल अकाउंट एक प्रकार से सेल्स का रिकॉर्डिंग होता है, ध्यान रखिएगा। पर अकाउंट सेल क्या होता है चीज के बारे में ध्यान समझना। अकाउंट सेल का मतलब ये होता है कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो कुछ भी लेन देन करना है, जो कुछ भी लेन देन हुआ है, जिसका पैसा कंसाइनी को कंसाइनर को देना है या कंसाइनर को कंसाइनी को देना है, ये सारा हिसाब किताब जो मेंटेन करता है वो कौन करता है? कंसाइनी अपने यहाँ पे करता है। और जिस जगह पे हिसाब मेंटेन करता है उस अकाउंट को, उस स्टेटमेंट को अकाउंट सेल कहा जाता है। से एग्जाम्पल कंसाइनी, आई एम सॉरी, से एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। क्या ये मैं जो ट्रांजेक्शन बोलूंगा आप खुद बोलिएगा, क्या ये ट्रांजेक्शन अकाउंट सेल में आएगा या फिर नहीं आएगा? पहला ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, क्या ये अकाउंट सेल में आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये खर्चा किसने किया? कंसाइनर ने। कंसाइनी ने किया ही नहीं, ना कंसाइनी को ना लेना है ना देना है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू कंसाइनी, क्या ये ट्रांजेक्शन आएगा? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस कंसाइनी टू कंसाइनर टू कंसाइनी, क्या ये आएगा? आंसर इज नो, ये नहीं आएगा। ये गुड्स भेजा है, बेचा नहीं है, गुड्स भेजा है। जब ये गुड्स आगे जाके बिक जाएगा तो रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगले एग्जाम्पल के बारे में जब मैं आप लोगों से यहां बात करता हूं तो ध्यान समझना। क्वेश्चन ये बोलता है गुड्स सेल बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने गुड्स सेल कर दिया, तो क्या यह ट्रांजेक्शन अकाउंट सेल में आएगा? यस आएगा, क्यों? कंसाइनी ने माल बेच दिया, अब उसके पास पैसा आएगा तो ये पैसा उसको लौटाने के लिए क्या बड़ा लायबल है, तो इस ट्रांजेक्शन को अकाउंट सेल में लिखा जाएगा। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहां बात करता हूं तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़ा ध्यान समझना। कमीशन, क्या कमीशन का अमाउंट, जो पैसा कमीशन रिसीव, जो कमीशन रिसीवेबल है, जो कमीशन लेने का हकदार है, कौन बेटा? कंसाइनी। क्या वो अकाउंट सेल में आएगा? हाँ वो आएगा। इसी के साथ साथ एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय, एनी एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी एंड बियर बाय कंसाइनर, तो क्या वो खर्चा अकाउंट सेल में आएगा? आंसर इज आएगा, क्योंकि वो खर्चा किसने किया? कंसाइनी ने। बट ये पैसा किससे लेगा बेटा? वो कंसाइनर से। इसलिए एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी एंड इनकर्ड इनफैक्ट बियर बाय द कंसाइनी, क्या ये खर्चा अकाउंट सेल में आएगा? आंसर इज नो, ये नहीं आएगा। भली खर्चा किसने किया बेटा? कंसाइनी, पर लिखा हुआ ये खर्चा कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा, तो ये खर्चा वहां पर नहीं आएगा। कहां पर नहीं आएगा? अकाउंट सेल में नहीं आएगा। दैट्स इट। बोलो, जो पैसा कंसाइनी ने कंसाइनर को भेज दिया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जो कैश कुछ अमाउंट कंसाइनी ने कंसाइनर को भेज दिया, तो क्या वो ट्रांजेक्शन आएगा या नहीं आएगा? वापस रिपीट कर रहा हूं, कंसाइनी ने कुछ रोकड़ा, कुछ कैश भेजा, किसको भेजा बेटा? कंसाइनर को, तो क्या वो आएगा? यस वो आएगा। इसका ट्रांजेक्शन है जो आ सकते हैं। क्लियर? नाउ सबसे पहले क्वेश्चन पर वंस लगा, 10th तक डाउट पूछे बेटा आप लोग। कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है? यस, मतलब सीधी सी बात कुल मिला के एक बात बोलता हूं बेटा, हिसाब भेजना है किसको बेटा? कंसाइनी को। किसको बेटा? कंसाइनर को। अब कंसाइनर ने 500 यूनिट भेजी थी, उसके पास कितनी बिक गई, कितनी बची है, ये भी तो भेजना पड़ेगा ना उसको। दैट्स इट। इज इट क्लियर? 1 से 10 तक डाउट है? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, मैं सबसे पहले बात करता हूं 51 से लगाकर 63 के डाउट पूछे बेटा। बेटा मेरे हिसाब से 40 इस बीच में नहीं आता, इस रेंज में बेटा।
क्या गलत तो नहीं हो बेटा? नो डाउट मैं बीमार हूँ, तब मेरी बीमारी दिमाग पर असर नहीं की बेटा अभी है। दैट मीन्स ये कितना है, 51 से लगाकर 63 का डाउट पूछ रहा हूँ बेटा मैं। सो बीच चलाओ इससे क्या, जिसने नहीं किए वो तो परेशान हो जाएगा बेटा, है ना। सबसे पहले मैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 51 में कुछ डाउट्स नहीं होना चाहिए, डाउट्स आपको आ सकते हैं 52, 55, 61, बस मेरे हिसाब से इन तीन क्वेश्चन में डाउट आने थे। 58 में भी डाउट है, लो मतलब देना है। फिफ्टी टू में डाउट है, 58 और हाँ डाउट बोले, 51 में डाउट है, 2 में डाउट है, 52 में डाउट है, 52 में डाउट है, 52 में डाउट है, ठीक है बेटा। 52 के बाद 53, 53 में डाउट है, 54 नहीं किए बेटा तो करने चाहिए, मैंने कल बोला था यार बेटा ना बेटा, 63 क्वेश्चन एक घंटा निकाल सकते हो, कौन नहीं आया कोई है? चलो 55, इस बीच में डाउट है किसी को? 54, 53, डूड डाउट है किसमें? 61, हाँ बोल दो ना, यस सर, हाँ 56, 58, 57, 59, 60, हाँ 59, 60, अरे ऐसा क्या करते हो यार बेटा, दिक्कत है बड़ा लिखने में, कभी थोड़ा सा ध्यान से प्लीज। 62, 63 में डाउट है, 62 और 63, 63 चलाओ। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, फटाफट 2 मिनट लगेंगे मेरे को बेटा। हाँ सर नालायक, तो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन किस पे दिया जाता है? कुछ ना, कोई भी कमीशन किसी के बारे में कुछ ना बोले किस पे दिया जाता है? टोटल सेल पे। 52 क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। एक्स कंसाइन 500 बैग टू वाई कॉस्टिंग रुपीज 400 ईच, मतलब कंसाइनर एक्स है, कंसाइनी कौन है बेटा? वाई। कंसाइनर ने कंसाइनी को 500 बैग भेजे और एक बैग कितने रुपए का है बेटा? 400 रुपए का। और इसकी प्राइस, इनवॉइस प्राइस कितने रुपए है बेटा? 450। तो बेटा हमें 450 काम का है या 400 काम, दोनों ही काम का? अगर स्टॉक रिजर्व पूछेगा तो क्यों, स्टॉक रिजर्व दोनों का डिफरेंस होगा ना। अरे जितनी यूनिट बची होगी मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज। अब 400 में से सामने वाले व्यक्ति ने 4000 यूनिट बेच दी बेटा, बोलो ठीक है, ए नहीं नहीं 4000 का खर्चा हुआ, आई एम सॉरी, और कंसाइनी ने 1000 रुपए का खर्चा किया। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर है, प्लीज ध्यान समझना बेटा, क्या 4000 रुपीज का खर्चा कंसाइनर ने किया तो क्या यह खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? यस बनेगा, यस। कंसाइनी ने भी 1000 रुपए का खर्चा किया फ्रेट का, क्या यह खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? हाँ। ये मत समझना खर्चा किसने किया कंसाइनी, नहीं मैंने ये बोला गुड्स पहुंचने तक के जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को गुड्स की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे ये बोलता है सेलिंग एक्सपेंसेस भी किए 2000 रुपए के, तो क्या ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो, ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बन। बहुत बढ़िया, 400 बैग सेल कर दिए, कितने बैग सेल कर दिए? 400, कितने नहीं बिके? 100। अब क्वेश्चन ने यहां पे आपसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं पूछी है, क्वेश्चन ने आपसे स्टॉक रिजर्व की वैल्यू पूछी है, मतलब प्रॉफिट का एलिमेंट। तो मुझे बताओ प्रॉफिट का एलिमेंट सिर्फ सेल प्राइस के अंदर है? प्रॉफिट का एलिमेंट सिर्फ किसमें बेटा? सेल प्राइस के अंदर है। क्या एक्सपेंसेस के अंदर है? क्या नहीं। फ्रेट के अंदर है? क्या नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस में है? क्या नहीं। तो 50 रुपीज ही प्रॉफिट का एलिमेंट है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 100, दैट मीन 5000 विल बी योर आंसर। रिगार्डिंग माई पर्स, सिंपल क्वेश्चन था, कोई बात। 53 के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, तो वॉट एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास नलीफाई द इफेक्ट ऑफ द लोडिंग, ये मैंने बताया था क्लास, रिवर्स एंट्री, ये वही तो एंट्री है। देखो क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पे बन जाता है, इसका कोई भरोसा
नहीं है, या लोडिंग बोल दे या स्टॉक रिजर्व बोल दे या प्रॉफिट एलिमेंट बोल दे, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जनरली जब गुड्स बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ना ना ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूडिंग द रिवर्स एंट्री पास करेंगे, तो रिवर्स एंट्री क्या पास होगी बेटा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या पॉइंट समझ में आया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 53, 53 इज ओवर, 54 की बात करते हैं। बताओ रिस्क कौन बियर करता, कंसाइनर है कंसाइनी, कंसाइनर, जैसे डाउट होना ही चाहिए। 55 के बारे में बात करता हूं, 55 में डाउट है क्या, ठीक है आओ ध्यान समझना इस क्वेश्चन के अंदर। आपसे सबसे पहले क्लोज क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो तो ध्यान रखना आप पहले मत ये मत पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है इतना विजन रखा करो आप लोग। देखते हैं बेटा, X sent out 4000 boxes to Y costing rupees 100 each. मतलब X ने Y को 4000 बॉक्स कितनी क्वांटिटी पे बेटा, 100 रुपए each. That means 4 लाख रुपीज का गुड्स भेजा, किस बात को एग्री करते हो, शाबाश। कंसाइनर एक्सपेंसेस 10,000, कंसाइनर ने खर्चा क्या कितने रुपए का बेटा आपके पास बेटा, 10,000 का। तो मैं एक बात बोलता हूं कि X ने Y को माल भेजा 4000 यूनिट, बॉक्स यूनिट बोले एक ही बात है, एक यूनिट कितने रुपए की बेटा, 100 ईच, तो कुछ गिवन नहीं, तो ये कॉस्ट प्राइस है बेटा, बड़ा बोलो। अब गुड्स जब भेजा तो इसके लिए हमने एक्सपेंसेस भी किया, कितने रुपए का बेटा, 10,000 का एक्सपेंसेस किया। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, ये 10,000 एक्सपेंसेस जो किया गया होगा ये कितने यूनिट पे होगा, 4000 पे, 4000 यूनिट। बट एक बात बोलता हूं कि रास्ते में जब माल गया तो 1/10 लॉस्ट हो गया, तो बट ऑब्वियसली बात इसके पास पहुंचा कितना होगा, 3600 यूनिट्स बोलो, और 1/10 ऑफ बॉक्स वर लॉस्ट इन द कंसाइन, ओहो आई एम सो सॉरी। तो 4000 गुड्स यहां पहुंच गए बेटा बोलो, बट इसमें से 1/10 लॉस हो गया, तो बचा कितना, हेलो बचा कितना होगा, 3600। बट अब क्वेश्चन ने ये बोला कि 2400 बेच दिया, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट बची बेटा, 1200। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा। अब एक बात मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा, 100, तो 1,20,000 तो आ गया। बट क्या ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, हाँ अरे हाँ है ना, क्लियर। तो बेटा 10,000 कॉस्ट होती है कितने की बेटा, 4000 की, तो बेटा 1200 की कितनी होगी, एक बोलो यार, कितना अमाउंट आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, आंसर एक क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई थी, अंडरलाइन दिस वर्ड, जो ये लॉस हो रहा है इस लॉस को आपको नॉर्मल लॉस ट्रीट करना है, तो बेटा पूरा गलत हो गया बेटा, ये देखना बेटा गलत, क्योंकि नॉर्मल लॉस मानते तो उस केस में आंसर आपका 1,23,000 था, बट एब्नॉर्मल लॉस आएगा तो सुनो बेटा, तो 4000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना, 100, दैट मींस कितना बेटा, 4 लाख कॉस्ट है, कितने यूनिट की बेटा, ये 3600 की कॉस्ट बन जाएगी, ये कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 3600 की। तो बताओ 1200 की कॉस्ट कितना, दिस वन, हेलो 10,000 का क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंसेस हो रहा है, डिवाइड बाय कितना, 3600 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा, 1200। ये करोगे आई होप सो, जो आंसर ऑप्शन में दिख रहा है यही आ रहा है, अरे हाँ है ना, क्यों समझ में नहीं आया, बात बताओ क्या ये जो खर्चा किया है, 10,000 खर्चा किया कितने यूनिट पे किया बेटा, 4000 पे, कितने पे किया ये, देखा है तो 4 लाख खर्चा है, बट ये लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, नॉर्मल लॉस, चलो टीका पढ़ते हैं जो मैंने क्लास में बताया। तो सीधी सी बात, टोटल यूनिट परचेज किया कितना बेटा, 4000, लॉस कौन सा बेटा, नॉर्मल लॉस, कितना बेटा, 400, कितना आया, 3600, नॉर्मल यूनिट या एक्चुअल यूनिट, नॉर्मल यूनिट लेस एबनॉर्मल लॉस, कितना आएगा बेटा, नील,
दिस इज द 3600 लेस सोल्ड यूनिट, कितना बेटा 2400, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 1200। क्या है, सभी को समझ में अच्छे से आया? बहुत बढ़िया। इसके बाद जब मैं अगली बात करता हूं तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, इज इट क्लियर बेटा? बोलो, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नॉर्मल यूनिट, तो टोटल परचेज कितना बेटा 4 लाख प्लस क्या आने के, क्या 10,000? हेलो, कितना है बेटा 10,000 डिवाइडेड बाय कितना बेटा आपके पास नॉर्मल यूनिट कितनी है 3600, ये पर यूनिट आ गई बेटा। ये तरीका सीख लो ना, जो मैंने क्लास में बताया इसकी बात करता हूँ। कितना बेटा 4,10,000 डिवाइड बाय 3600 1,13.8 मल्टीप्लाई बाई 1200। हेलो, मल्टीप्लाई बाई 1200 आंसर क्या आ रहा है 1,13,667 आ रहा है, दैट्स इट द आंसर। इज इट क्लियर? ये नॉर्मल लॉस का, ये नॉर्मल लॉस का यहाँ पे, इज इट क्लियर? जस्ट अ मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 55 आउट है। हेलो, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं हम लोग बेटा। इफ डेल गेट अ कमीशन 10% कैसेल, डेल गेट कमीशन कितना बेटा 10% है। अब किस पे दिया जाएगा ये नहीं बोला था, टोटल सेल पे बोलो हाँ है ना, तो टोटल सेल की जब बात करेंगे कितना आएगा टोटल सेल बेटा आपके लिए, बोलो क्लियर? तो क्या होगा 5000 प्लस 10000 दैट मींस कितना बेटा 15000, 15000 का 10 पे कितना 1500, इज इट क्लियर? अगर कुछ भी माल बच जाता है तो किसका होगा, कंसाइनी का या कंसाइनर का? कंसाइनर का होगा। ये क्वेश्चन में बोल, समझ में आया सभी को बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन ध्यान समझना बेटा, जे ऑफ जयपुर 500 रेडियो उसने क्या किया, 200 रुपए ईच में दिल्ली को सेंड किया, ऑल रेडियो सोल्ड बाय द जे डी, मतलब ये समझ में आया क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, और क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक का तो बन ही नहीं सकता ना, स्टॉक रिजर्व का बनेगा। ये क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए क्वेश्चन किसका बनेगा बेटा, है ना? अब और जो गुड्स भेजा डी ने, जितनी कॉस्ट है उस कॉस्ट में 25% ऐड करके भेजा, कि 25% ऑन कॉस्ट बोला है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो 200 रुपीज ईच एंड 25% ऑन कॉस्ट, तो 200 प्लस 25% 200, दैट मींस 250 विल बी योर सेलिंग प्राइस, हाँ है ना? अब 250 मल्टीप्लाई भी कितना होगा 500, कितना होता है 1,25,000, तो 1,25,000 ठीक है। अब डी को कमीशन मिलेगा 25 रुपीज पर रेडियो, तो बताओ रेडियो कितने थे, हाँ 500 मल्टीप्लाई भी कितना 25, कितना होता है प्लस। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, इसके अलावा क्वेश्चन प्लस 20% ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, 20% ऑफ ग्रॉस सेल, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 250 एक्सीड्स प्रोसेस एक्सीड्स द अमाउंट 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, दैट मींस कितना बेटा, तो 200 प्लस 20% ऑफ 200 मल्टीप्लाई बाई 500। ये मैंने क्या क्या कुछ समझ में आपको आया, ये समझ में नहीं है, ध्यान समझो, क्वेश्चन ने क्या बोला, हम 20% कमीशन देंगे ऑफ किसका, ग्रॉस सेल का, पर ग्रॉस सेल
proceeds as exceed as an amount calculate 20% profit on cost. मतलब जितनी मेरी cost है उस cost में 20% में अगर profit add कर दूं तो मेरी cost कितनी 200 rupees इसमें 20% में add करूंगा तो 240 rupees. अरे यार मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा 200 में 20% ऐड करना है ना तो 240 आएगा. अरे ये 240 लिख दिया शॉर्ट में लो मल्टीप्लाई भाई कितना 500 यूनिट. जब ये पर यूनिट नहीं है ये टोटल है तो ये भी टोटल निकालना पड़ेगा. तो टोटल ग्रॉस सेल तो ये लिख दिया यहाँ पे बड़ा ग्रॉस सेल लेस एक्सीड्स मतलब जितना इससे ज्यादा है तो मतलब इसको, बट ऑब्वियस इसको लेस करना पड़ेगा. ये पॉइंट ये परेशान करेगा ध्यान रखना. एक्सीड मतलब क्या ज्यादा. तो ज्यादा किससे जितनी आपकी कॉस्ट है उस कॉस्ट में 20% प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो सेल आती है उससे ग्रॉस सेल जितनी ज्यादा है उसके ऊपर 20% कमीशन दिया जाएगा. तो आप कंफ्यूजन इसलिए मत होना सर यहां पे भी 20 है यहां पे भी 20. अरे क्वेश्चन ने बोला जितनी आपकी कॉस्ट है उसमें 20% ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उससे जितनी ज्यादा ग्रॉस सेल है उसका 20% कमीशन दिया जाएगा. क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा. तो बट ऑब्वियसली बताओ ये 240 है ये 250 है एक्सीड है. नहीं आया समझ में. अगर को तरीके अब ये समझ में आ गया तरीका. एक सिंपल तरीका एक बहुत सिंपल तरीका क्या 250 में हमने एक को बेचा 40 ही है तो 10 रुपये हो गया ज्यादा. कितनी यूनिट बेची 500 तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना 5000 का कितना परसेंट 20% कितना है 1000 1000 प्लस 12000 13500. देखो आंसर 13500 आ रहा है. दैट्स इट. बड़ा एक सिंगल तरीका नहीं होता किसी सॉल्यूशन का बेटा. यार मैंने कल ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं आज बनाने आ रहा था उससे पहले मैंने कुछ खुद सारे क्वेश्चन खुद ने सॉल्व किए मैंने एक बार. तो एक तरीका मुझे और समझ में आया किसका स्टॉक रेशियो निकालने का. बताऊं क्या कल बताऊंगा. अभी एक तरीका और है कॉस्ट प्लस का वो भी कुछ नहीं करने का और कॉमन सेंस एक तरीका इतना सिंपल तरीका है वो और तरीका. बट आप बताऊंगा उससे आप कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए इसलिए मैं छोड़ देता हूँ. बताऊं क्या. चलो एक काम ये 63 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पूरे सर है मतलब ये 59 में डाउट नहीं होना चाहिए बेटा. अरे 60 में डाउट में नहीं बताऊंगा बेटा. ठीक है 63 भी मैं नहीं बताऊंगा बेटा. अरे 61 62 बता दो बताता हूँ. 63 पूछना है किसी को क्या 63 में तो कुछ नहीं है ना. अब प्लीज क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है ये तो बेटा आप लोग बताओ ज्यादा अच्छा लगे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. एनीवे चलो बताओ 61 सीखना है 62 पहले 61 देखना बेटा. 1000 यूनिट हमने भेजी और एक यूनिट कितने प्राइस की बेटा 56. ठीक है अब कंसाइनर ने 10000 रुपए का यानी 1000 का खर्चा किया तो क्या ये खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा. हाँ 50 यूनिट रस्ते में लॉस्ट हो गया और जो लॉस है ये अनअवॉइडेबल है मतलब इसको आप रोक नहीं सकते. नॉर्मल या एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस. अगर बेटा ये वर्ड्स मैं आपको बेसिक में नहीं पढ़ाता और क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो आप बोलते सर अनअवॉइडेबल है मतलब शायद एबनॉर्मल लॉस होगा. ऐसा लॉस जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप चाह कर भी इसको हटा नहीं सकते उस लॉस को बोलते हैं बेटा क्या बेटा नॉर्मल लॉस. बट आपकी गलती की वजह से जो लॉस होता है उस लॉस को हम क्या बोलते हैं बेटा एबनॉर्मल लॉस. एनीवे लेट्स सी. तो इस क्वेश्चन ये लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस. न्यू प्राइस पर यूनिट कितनी होगी बट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा देखिएगा आप लोग. देखो यहाँ पे बेटा 1000 यूनिट बेची 56 रुपीज दैट मीन 56,000 का प्राइस है बेटा. बोलो हाँ है ना. अब ये कितनी यूनिट की थी बेटा 1000 यूनिट की थी बट 50 यूनिट रस्ते में चोरी हो गई लॉस्ट हो गया तो लॉस नॉर्मल है एबनॉर्मल. नॉर्मल. तो बताओ ये 56,000 प्राइस 950 की बन जाएगी बेटा. बोलो हाँ है ना. तो बताओ प्राइस कितनी आएगी बेटा 56,950. एक गलती और हो गई हमसे प्लस क्या खर्चा हुआ 1000 रुपए का वो खर्चा भी हमने किया था 1000 यूनिट पे था पर 950 डिवाइड बाय अब तो कितना आएगा 56,000 प्लस 1000 10,000 ठीक है बेटा डिवाइड बाय 950 60 रुपीज पर यूनिट. देखो आंसर क्या है
आया समझे बेटा? बेटा मैं एक फिर बोलूंगा, मुझसे पढ़ रहे हो लॉजिकल पढ़ना, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको रटना मत, नहीं समस्या हो जाएगी आपके लिए, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 62, 1000 लीटर हमने कोकोनट ऑयल भेजा 50 रुपये पर लीटर में, 5% का नॉर्मल लॉस होता है, बोल जवाब दो। ठीक है, क्वेश्चंस वही तरीके हैं बेटा के पास। बेटा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो क्लास में डिस्कस नहीं किया है या कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया हो, एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने कंसेप्ट में डिस्कस करूंगा उन कंसेप्ट में से ही एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देख लो जितने भी क्वेश्चन बेटा, एनीवे तो बेटा 1000 लीटर कितना हुआ बेटा? 1000 लीटर 50, दैट मींस 50,000 बेटा इज द कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है बेटा, अब एक बात बोलना चाहता हूँ बेटा कि इसमें से कितना लॉस हो गया? 5%, दैट मींस 950 विल बी, ये दिस इज द टोटल परचेज यूनिट बेटा, नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल यूनिट बेटा बोलो, बहुत बढ़िया। इसमें से अगर एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे तो है ही नहीं, दैट विल बी, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आप बताओ 50,000 डिवाइड बाई कितना करूंगा बेटा मैं, और कुछ खर्चे थे क्या? नहीं, कितना आया? जो भी आया उसको 52.63, आप कैलकुलेटर से अपने स्क्रीन से कुछ हटाना मत। क्या ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई? नहीं आया, ध्यान ही नहीं था बेटा अपना। देखो बेटा 1000 लीटर कोकोनट ऑयल मंगाया, 50 लीटर का 50 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, दैट मीन्स कितना 50,000 यहाँ पे आया। इसमें से लॉस कितना है? नॉर्मल है एबनॉर्मल? सबसे पहले नॉर्मल लॉस तो लेस कर दिया 55%, तो 950 नॉर्मल लॉस, नॉर्मल यूनिट आ गई बेटा। तो इतनी यूनिट है, कॉस्ट 950, तो ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई आपके पास। ठीक, पर क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा कि हमें इनवॉइस प्राइस कितनी होगी या सेल प्राइस कितनी होगी, ये पूछा क्वेश्चन है ना, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस के अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड होता है, तो प्रॉफिट एलिमेंट कितना बोला? 14% ऑन कॉस्ट। तो आप एक काम करो, प्लस 14% कर दो, प्लस जो स्क्रीन पे था वही रहने देना, तो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं 59.99999, दैट मींस वी कैन से 60। नहीं आया समझ में? चलाओ कैलकुलेटर वापस, एकदम कैलकुलेटर जीरो पे आओ। एक तरीका देखो, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं आपको आज डायरेक्ट परसेंटेज लगाने का। चलो कैलकुलेटर दो मेरे को एक बार, देखना आप लोग। सबसे पहले ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या 50,000 डिवाइड बाई 950 किया तो इक्वल करने से क्या 52.63157894 आ रहा है? क्लियर? इसमें 14% जोड़ना है। एक मिनट के लिए इसको आप एम प्लस कर दो, एक मिनट के लिए बस, मतलब अभी भी आपके स्क्रीन पे वो 52.61578947 दिख रहा है, इसमें 14% ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 14% प्लस इक्वल करते हो, अरे यार मल्टीप्लाई बाई 14% प्लस इक्वल करते हो तो आंसर कितना है 59.9 है। चलो एक मिनट के लिए, अरे यार बेटा मेरे साथ चला करो बेटा, वापस रिपीट करता हूँ बेटा, ध्यान समझना। 50,000 डिवाइड बाई 950 इक्वल, तो 52.60 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, इसमें 14% जोड़ना है, तो आप मल्टीप्लाई 14% प्लस इक्वल आ गया, तो आपने इतना सारा बटन दबाया 50 के अंदर देखा जाए तो आपने 52.63157894 में आपने पहले मल्टीप्लाई भाई 14% प्लस इक्वल इतना दबाया आप लोगों ने। आओ शॉर्टकट पे आते हैं, एक इससे भी शॉर्टकट अब आपका बेटा है ना, आंसर एग्जैक्ट उतना ही आएगा। आप लोगों के सभी कैलकुलेटर में एमआरसी में फिगर लिखा हुआ है, बोलो लिखा हुआ है? हटा दिया था, क्यों हटाया? मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी हटाना हो तो आप सीई दबाया करो बेटा, मैं इस कैलकुलेटर शॉर्टकट बता चुका हूँ, फिर भी बेटा कोई बात, फटाफट ही लिखे आओ फिगर वापस से। जिनकी स्क्रीन पे नहीं एमआर से दबाने के बाद भी फिगर नहीं आ रहा है वो करो, गुस्सा आ रहा होगा आपको ना, किससे कैलकुलेटर ले लिया आपने मेरा, चलो ठीक है आ रहा है तो आने देना बेटा। क्या सभी को समझ में आया बेटा? अब प्लीज सभी की स्क्रीन, सभी लोग ब्रैकेट एमआर से दबा के स्क्रीन पे वो लेके आ जाओ,
आ गया। अब दबाना प्लस 14%। इतना सब कुछ करने के बदले में ये भी आप कर सकते हो बेटा। ये तरीके में डे बाय डे कुछ कुछ बताता रहूंगा बेटा, ध्यान रखना। अगर आप पुराना भूलते जा रहे हो तो नहीं दिक्कत नहीं हो जाए कहीं पे बेटा। तो आपको सबकी प्रैक्टिस करना आना चाहिए, समझ में आया? सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सर एक दो सेकंड का फर्क पड़ रहा है बेटा। इट कैलकुलेटर चलाना आपको सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे सिखाया जाएगा। जब आप आगे लेवल पे जाओगे कोई नहीं सिखाएगा कैलकुलेटर चलाना आपको बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? तो वहां पे पेपर लेंदी आएंगे, बड़े पेपर आएंगे, तो वहां पे आपके पास ट्रिक्स है चलाने की, तो वहां फायदा मिलेगा। ये बस समझना फायदा आपको फाउंडेशन मिलेगा ना, इन सब चीजों का फायदा कहां मिलेगा आपको बेटा? आगे एग्जीक्यूटिव लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे बेटा। ये आपका अमानत। सब क्या काम की? नहीं काम की। ना 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 ना, ना बिल्कुल भी नहीं। यस प्लीज। हाँ प्रॉफिट कॉस्ट पे दे रखा है। जितनी आपकी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट में 14% जोड़ोगे तो लॉस तो बेटा माइनस कर दिया ना 950। आप एक तरीका और, एक तरीका जो आप सोचो आपकी कॉस्ट नहीं है बेटा, एक काम करो 50,000 में 14% जोड़ो करो, आज वही आएगा आंसर बेटा। 50,000 में 14% ऐड करो, अरे 50,000 में 14% 57 आएगा ना, तो आना चाहिए ऑरली। ये तो ना आया, तो 57 कॉस्ट कितने की है बेटा? 1,000 दिख रही है पर 50 लॉस हो गई। नॉर्मल है, अब नॉर्मल लॉस नॉर्मल, तो उस नॉर्मल लॉस को हटाएंगे तो इफेक्टिव कितनी 950। तो 57,000 डिवाइड बाई 950 करो, बड़ा मैं तरीके बहुत से बताता हूँ, इसका मतलब कंफ्यूज मत होना है, ध्यान रखना है बेटा आप लोग, है ना? ऐसा कंफ्यूजन होता है, होता है सर। अब मैं सोचो नेक्स्ट चैप्टर से मैं एक ही मेथड बताऊंगा, बस उसी पे टिके रहना बेटा। बट मुझे अच्छा लगता नहीं है बेटा एक मेथड से पढ़ना, मतलब रट्टिफिकेशन हो जाएगा बेटा आपके लिए। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए, मतलब कोई भूल जाओ दूसरे का आपको आना चाहिए। मैं इसलिए बताता हूँ, तो सब तरीके प्रैक्टिस आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनी वे ध्यान रखेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। तो 51 से 63 तक इज ओवर। आओ अब डाउट्स आपके पास बहुत। ओहो हाँ बोलो। बस 11 से लगाकर 20 तक के डाउट पूछो बेटा। 14 में डाउट होगा मुझे पता है दावे के साथ बेटा, पर ये नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में। ऑलरेडी डिस्कस में कर चुका हूं बैच के अंदर, नहीं किया है 14 डाउट है। हाँ ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देख लो नोट्स का। ए क्या नहीं डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 नोट्स का देखो, ये सेम है बस फिगर चेंज है बेटा, सेम लाइन है। हाँ फिर भी डाउट है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है। हाँ इसके अलावा डाउट पूछो। 16 में डाउट है, 19, 20 और बोलो डाउट हो किसी में? 20 लिख दिया ना, 22 की लिस्ट आगे आएगी बेटा, आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ। वाई सोल्ड 200 टेलीविजन एट रुपीज 14,000 पर टेलीविजन, इज इट क्लियर? मिस्टर वाई इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 500 पर टेलीविजन सोल्ड प्लस 1/4 एंड सोनसो को दे रखा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर, तो मुझे ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 14 था, तो कमीशन क्वेश्चन नंबर 14 कमीशन कितना बेटा पर साइकिल पर टीवी? तो 500 प्लस कितना बेटा, कितने टीवी है? तो बेटा 10,000 कमीशन तो फिक्स हो गया, प्लस
1/4 ऑफ ग्रॉस सेल, ये 1 लाख आएगा, तो लिख दो ना 1 लाख, ये लो 1 लाख। हाँ, और वो लोग को इसके अलावा कोई आपत्ति है? प्लस 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल, ये लिखा है 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल, तो ग्रॉस सेल कितनी 14,000 मल्टीप्लाई भाई कितना बेटा आपके पास, तो दिस इज द, देखो 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल लेस टोटल कमीशन लेस एक्सीड्स रुपीज कितना बेटा 12,500 मल्टीप्लाई भी कितना 200। क्या ये सब चीजें आपको क्लियर हैं? सबसे पहले तो बेटा अगर ये सब चीजें अगर आपको क्लियर है तो समझ में बेहतर आपको आएगा। ये जो जो लिखा हुआ कमीशन की उस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे पुट किया, तो बेटा 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल, जब ग्रॉस सेल की बात करूंगा तो कितनी टीवी सेल की आपने बेटा 200 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा 14,000, इज इट योर ग्रॉस सेल लेस टोटल कमीशन, प्लीज टोटल कमीशन बोल रहा हूं, तो उस कमीशन में तो 1 लाख तो आएगा प्लस इससे जो आने वाला कमीशन है वो भी यहां पे आएगा, इज इक्वल टू एक्स अमाउंट बेटा। अरे क्या ये पूरा एक्स के बराबर है? ये एडिशनल कमीशन है ना, इससे कितना अमाउंट आने वाला वो आपको अभी तक पता नहीं है, तो उसको हमने एक्स मान लिया। बोलो लेस कितना 25 लाख, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा एक्स इज इक्वल टू 0.25 बोल सकता, अरे 1/4 को 0.25 बोल सकता हूं, या इसको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक ही बात है बेटा 28 लाख माइनस 1 लाख माइनस एक्स माइनस 25 लाख। ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करवाया है मैंने बेटा ना, एक क्वेश्चन ऐसा और आएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, वो 23, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा उसमें फर्क है, एक्स इज इक्वल टू कितना 0.25 दिस माइनस दिस प्लस माइनस दिस, दैट मीन्स 2 लाख। अरे 28 में से एक गया 27, 27 में से 25 गया 2 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा कितना आएगा 50,000 माइनस 0.25 एक्स, ये समझ में आया क्या किया? अरे 2 लाख को 0.25 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा 50,000। अरे हाँ है ना, अब इस फिगर को इधर लेके आ जाएंगे तो 1.25x हो जाएगा, x प्लस 2.5, x प्लस 0.25x, दैट मींस 1.25x इज इक्वल टू कितना बेटा 50,000, x इज इक्वल टू कितना 50,000 डिवाइड बाय कितना 1.25, हाउ मच 40,000। क्या सभी समझ में आया बेटा? 40,000 प्लस 1 लाख, दैट मींस कितना 1,40,000। क्या सभी समझ में आया बेटा? पर इसी के साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करता हूं आपके साथ एक बार, क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ आप एक बार, सेम नहीं है क्वेश्चन नंबर 23, सेम नहीं है, उसमें ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 23 पे सुरेंद्र सोल्ड 200 पीसी, मतलब वहां पे टीवी था, यहाँ पे क्या बेटा पीसी, बात वही है ठीक है, मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूं। ही वॉज इंटाइटल टू कमीशन 500 रुपीज पर पीसी, 500 रुपीज पर पीसी प्लस 1/4 ऑफ अमाउंट विच इज ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस दिस वन लेस टोटल कमीशन, नहीं सिर्फ फिक्स्ड कमीशन। जब फिक्स्ड कमीशन आएगा तो फिक्स्ड कमीशन में यहां पे ये वर्ड नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा बेटा फिक्स्ड कमीशन ही आपके पास आएगा, और जब फिक्स्ड कमीशन आएगा तो ये एक्स नहीं आएगा, ओनली कितना आएगा 1 लाख आएगा, और फिर हमें यहां पे ये कुछ करने की आवश्यकता यहां पर नहीं है, दैट विल बी आंसर आ जाएगा। अरे हाँ है ना, क्या बन जाएगा अब तो बड़ा 23 इज ओवर, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, डाउट क्या था 15 डाउट है किसी को, 15 16 डाउट है, चलाओ चलो बड़ा आज के लिए फिर इतना ही, 15 तक हमारा हो गए हैं बड़ा क्वेश्चंस, बाकी चर्चा मंडे को करेंगे आपके साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू हैव अ गुड डे। क्या संडे को आना पसंद करोगे क्या पढ़ना है? 3-4 घंटे बुलाऊंगा तो एक साथ, तो
बोलो क्या मैनेजेबल है? कल से तो संडे, कल ही तो है, अगले संडे से ऐसा क्या बैकलॉग लगाऊं? कौन सा बैकलॉग? बेसिक छुटा हुआ है इसलिए मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो बेटा उसके लिए बेटा, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ गुड डे।